पहले मतदान फिर जलपान, महिला वोटर काफी उत्साहित हैं, वोट दे के निकल रही हैं। और देखते हैं, आपने वोट किया? अच्छा, आपकी उंगली पर निशान भी लगे हुए हैं। जी सर। ये निशान है जो बता रहा है कि इन्होंने अपने मत का प्रयोग करके ये वापस लौट रही हैं। कितनी खुशी हो रही है। सबसे पहले कतार में सुबह का वक्त है, तकरीबन 8 बजे, और इस वक्त आप लोगों ने अपना वोट कास्ट कर दिया। आप लोगों ने नाश्ता नहीं बनाया? डिब्बा चल जाते अपना। बिल्कुल, तो मतलब पहले वोट देने के बाद जाके घर में नाश्ता पानी बनेगा। जी सर। बिल्कुल। अच्छा, आप भी वोट कर ली? जी। आप भी? जी। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग सुबह कतार में लगी थी, क्या लग रहा था कि अच्छा किस मुद्दे के साथ आप लोग आई थी, या किस तरीके के नेता चुनना चाहती हैं, किस तरीके से जो आपने अपने मत का प्रयोग किया तो किस विश्वास के साथ किया कि कैसा लोग होना चाहिए? सही लोग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये सीधे और भी अभी अपना वोट देके आ रही हैं। हाँ। अच्छा, सुबह सुबह हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, कितनी खुशी हो रही है वोट करने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा, जल्दी से वोट पड़ गया। जल्दी से वोट पड़ गया। अच्छा, मुद्दे क्या क्या रहे होंगे दिमाग में? कई सारे चेहरे घूम रहे होंगे, किनको वोट देना है, नहीं देना है, फिर सोचना है कि भाई जो विकास करे, जो बेहतरी करे। तो आपने किस मुद्दे के साथ वोट किया अपना? वही कि आगे भविष्य में सबका कल्याण हो, बढ़िया विकास हो देश का, वही है, इसीलिए दिए हैं, और क्या। बिल्कुल, विकास हो और देश का भी विकास हो, अपना भी विकास हो, इन तमाम मुद्दों के साथ लोगों ने अपने वोट को कास्ट किया है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से दिन चढ़ता जाएगा, वोटरों का रुझान मतदान केंद्र की तरफ बढ़ेगा, और वो एक बार फिर से लंबी कतार में दिखेंगे। और महिला वोटर खासतौर पे, जिन्होंने पहले चौका चूल्हा करना मुनासिब नहीं समझा, उन्हें लगा कि पहले मतदान कर लिया जाए फिर चौका चूल्हा किया जाए, और ये महिला वोटर काफ़ी खुश हैं कि वो पहले मतदान फिर जलपान करेंगी। सहयोगी मनीष के साथ गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।